भाई ने मेरे साथ ही डिलीवरी ली थी, हमने सेम शोरूम से सेम टाइम पे दोनों गाड़ियों की डिलीवरी ली। तो भाइयों कैसे हो आप सभी, होप से सभी बिल्कुल ठीक होंगे। भाई हम भी बिल्कुल ठीक है। तो भाई भाई जो गाड़ी लेके आए ना थारो, तो भाई है और भाई हमारे साथ जो जो नई गाड़ी हमारे एरिया में, गुड़गांव एरिया में जो नई गाड़ी आई है ना भाई, हम सारे मिल गए ना उसका एक रिव्यू कर रहे हैं। तो भाई की जो जो मतलब भाई लेके आया है, ठीक है, और तीन भाई और भी हमारे साथ, जैसे हमारे पास आज ब्लैक ब्यूटी है, व्हाइट ब्यूटी एक और है, रेड ब्यूटी है, एक व्हाइट ये है और एक रेड है भाई। तो चार गाड़ी है हमारे पास, चारों से ये चारों जो ओनर है, ओनरशिप का रिव्यू है, मेन पर्पज जो है ना ओनरशिप का रिव्यू है इस वाले ब्लॉग का। तो भाई उसमें किस किस की क्या राय है, किसको गाड़ी बढ़िया लगी, किसको खराब लगी, बेकार लगी, मतलब जो जो कमियां है या फिर कुछ अच्छाइयां है, तो वो सब हम मिलके ना अपना अपना रिव्यू दे रहे हैं अपना गाड़ियों का कि भाई गाड़ियों में हमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, तो वो हम ओनर रिव्यू है। तो भाई मतलब फिर मर्द गाड़ी है या फिर ये औरत है, वो हम बताएंगे पूरे ब्लॉग में। गाड़ी अच्छी है, बेकार है, वो हम सारी चीजें भाई खड़ी करी जा रही है। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं सारे भाइयों के ब्लॉग में, भाई मिलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तब तक के लिए आप वेट करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट शेयर कर दो। भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, करना तो पड़ेगा। अब मैं इनसे खुद सवाल जवाब पूछ लूंगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं काली वाली थार से। तो भाई कब ली गाड़ी आपने? भाई डिलीवरी जब ऑफिशियली शुरू हुई थी उससे एक दिन पहले ले ली थी। अच्छा, तो भाई 8-9 दिन हो गए गाड़ी को, क्या मजा आ रहा है? भाई गाड़ी में मजा ही मजा, अपने कहीं से भी कुदाओ कुछ भी करो, जैसे ये है, हाँ, ये रियर व्हील ड्राइव है, हाँ, देख लो भाई छोटी है, हाँ, तो अपने कहीं से भी कुदाओ कहीं लेके घूमो, हाँ, भाई साहब बहुत स्मूथ है। पहले तो था ट्रैक्टर, हाँ, जो पहली थार थी वो तो ट्रैक्टर था भाई साहब काटने के लिए ना, हाँ हाँ, इसका तो इस उंगली से उंगली तक, इस उंगली से उंगली तो घूम रही है गाड़ी, एक नंबर मजा है भाई साहब, स्मूथ, कहीं कुदाओ कहीं ले जाओ कैसे भी। अच्छा, और भाई ब्लैक कलर क्यों चूज करा? भाई ब्लैक तो पसंद है। अच्छा, स्टार्टिंग तक ब्लैक पसंद है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया भाई। कोई एक कमी गाड़ी की? व्हाइट इंटीरियर भाई साहब, ऑफ रोडिंग व्हीकल में व्हाइट, भाई साहब एक और छत देखो मेरी गाड़ी की। छत तो अभी दिखाएंगे, आज हाथ दिखाएंगे। 10 दिन अभी हुए लिए गाड़ी को, छत देखो एक बार भाई गाड़ी की, पता चल जाएगा। ये देख लो भाई, छत भी देख लो भाई की। भाई ये व्हाइट इंटीरियर की आपको कमी लगी? सबसे बड़ी कमी भाई यार मैं, अच्छा ऑप्शन दे दिया महिंद्रा ने जनवरी में, तो जनवरी में ले लेते। जनवरी किसने देखी यार, जनवरी 25 के बाद को ऑप्शन दिया, वो तो दिया है, और डेट पे तो महिंद्रा कोई चीज वैसे नहीं करती। 15 तारीख के बाद तो ये बोला है कि भाई देंगे, उसका भी नहीं पता कुछ भी ना। बहुत बढ़िया। अच्छा अब सरपंच साहब आप सुनाओ क्या हाल है? बढ़िया है भाई, बढ़िया। 4x4 ऑटोमेटिक, ये भाई ने मेरे साथ ही डिलीवरी ली थी, हमने सेम शोरूम से सेम टाइम पे दोनों गाड़ियों की डिलीवरी ली। अच्छा भाई कैसा एक्सपीरियंस है गाड़ी के साथ? मेरा तो और तो भाई देख ले, पहले से ही थी 3-डोर भी, हाँ, ये 4-डोर भी, 5-डोर सॉरी, हाँ हाँ हाँ, तो भाई मेरा तो एक्सपीरियंस भाई एक नंबर है, एक नंबर। हाँ भाई, कोई कमी? कोई कमी नहीं लग रही भाई, व्हाइट इंटीरियर भाई बोल रहा है, व्हाइट इंटीरियर भाई, प्रीमियम लुक दे रहा, जो भाई गाड़ी जैसी ऑडी हुई, मर्सिडीज हुई, बीएमडब्ल्यू वगैरह हुई, लग्जरी फील देता है। हाँ हाँ। और भाई दूसरी बात, हम वीडियो बनाने वाले बंदे हैं, हाँ, जो इसमें फोकस आता है, हाँ, व्हाइट इंटीरियर में जो वीडियो बने बढ़िया, एक नंबर। भाई की गलती नहीं है भाई की, या तो हो सकता है खाली रोड पे चले, हाँ, और खाली चलने के लिए चले, तो भाई हमारा ब्लॉग देख लियो भाई, उसमें दिख जाएगा रोड पे चले या खेत में चले ना ना, बहुत बढ़िया भाई, अपना हरा भी गियर ले आऊंगा, कहीं छत पे है तो कहीं दिक्कत है भाई, डिग्गी में भाई, वाह, व्हाइट इंटीरियर तो भाई कोई प्रॉब्लम ना भाई, हमने तो एक नंबर का प्रीमियम है भाई, लग्जरी फील हुआ भाई। अच्छा, और अब तारीफ हो गई, अब कोई एक कमी जो आपको लगी? भाई अभी कोई कमी नहीं, एक भी ना, कोई कमी नहीं लग रही, देख ले, मैं फैन हूँ भाई महिंद्रा को, कमी है फिर भी एक्सेप्ट है भाई। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल भाई। अच्छा मैं कहूँ इतने में ही 30 लाख वाले लेजेंडर मिल रही है, लेजेंडर लोगे ना भाई? कती बना लूंगा, ट्रैक्टर है यार, लेजेंडर पेजेंडर की है। अच्छा जी, ट्रैक्टर है भाई, ट्रैक्टर चला लियो, फॉर्चुनर चला ली भाई, बराबर है, बिजनेस मैन की चीज है, यो है देसी राज भाई, कती प्रोफेशनली भी, प्रोफेशनल फैमिली टाइप भी बना दी, खेती की आर की भी बना दी, हाँ, भाई कहीं तरह भी यूज कर लो, वैसे सही बात, लग्जरी की लग्जरी है गाड़ी है, ऑफ रोडिंग का ऑफ रोडिंग, सारी पर्पज के लिए बेस्ट है, बेस्ट है, हाँ। और प्राइस भी बहुत बढ़िया भाई, वो ट्रैक्टर बिटो उसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग दे रखा है, वो थोड़ा दिन बाद ऐसी हो जाए, पुराना टाइम में लहरी ना आए करती, लहरी जी टाट लेके जाए करती, वैसा स्टीयरिंग हो जाए यार, ये करना यार 55-60 लाख रूपए गियर के भाई, सही बात, 25-26 लाख रूपए गियर के भाई आएंगी, हाँ, एक आगे चलेगी और एक पीछे चलेगी, और तगड़ी रहेगी, हाँ तगड़ी ना, बहुत बढ़िया, कंफर्ट इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल भाई, हाँ कंफर्टेबल में पूछना चाहता हूँ भाई, अब 5-6 हजार दोस्त गए कहीं अभी तक इसमें? ना भाई कभी नहीं, चार ही गए थे, चार ही गए। अच्छा आप गए हो, कैसा रहा?
मतलब एकदम रिलैक्स था, ऐसा कोई फील नहीं। पीछे तो सोफा वाली सीट है, किस्म से जैसे सोफा होता है। अच्छा जी, बीच वाला बंदा है ना, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़े से हैवी हो, तो 6 के आसपास इनका हाइट हो, उनके लिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है। मैं भाई इसमें सबसे पहले दिक्कत तो इसकी सीट छोटी, यहाँ से ना पैर लटके लटके लगेंगे। अच्छा हाँ, लेकिन भाई हमें है ना गाड़ी से मतलब एडजस्ट कर लेंगे भाई हम थोड़ा। अगर सीट के कंफर्ट में और कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ना पैर लटके लटके। अच्छा छोटी सीट दे दी, छोटी सीट है भाई हमारी, आप जितनी हाइट तो है ना हमारे हिसाब से भाई ठीक है, भाई सपोर्ट भी ठीक है भाई, हाइट है भाई, फिट बैठे है मामला। बड़ी हाइट वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई नहीं यार, आपने फेस करी होगी भाई ये प्रॉब्लम तो। लेकिन भाई गलत फंस गया भाई, भाई लिया है 4x2। अच्छा भैया बारे में बता, खड़ी नहीं करी साजिश भी खड़ी है, साजिश भी अपने लोग कर सकते खड़ी नहीं करी। ये तीन गाड़ी है जो काली लाल और सफेद होगी, 4x4 ऑटोमेटिक, ये 4x2 ऑटोमेटिक में। अच्छा डागर एक बात बता, 4x2 क्यों ली, क्लियर करा दे। 4x4 का शौक नहीं था, एक काम नहीं थोड़ा मेरा ऐसा, हाँ ये ऐसे ली थी शौक, शौक में बस ऐसी चलानी की थार रखनी है कि नाम के तौर पे, नाम के तौर पे, पर ठीक है यूबी यार, या की गलती ना 4x4 क्यों करे कोई काम, 4x4 यूज नहीं है, यूज नहीं है। हां भाई ये खेत में क्यों लिया है, यहां क्यों फंसा दी मेरी, मेरे कारण, मेरे कारण भाई, ये बात भाई ने कह दी जान देंगे तो जान देंगे, आई लव यू भाई, सपोर्ट चाहिए भाई। ना यार यू ही कमाया हमने जिंदगी में ना, प्यार ही कमाना, बस बस बचपन का साथ भाई, और हमें 10-12 साल हो गए, जितने भी यार दोस्त सब पुराने 10-12 साल तक गए, कोई दिक्कत ना कैसी भी। तो मतलब तुम तीनों प्लस मैं 4। अरे एक और बात बताऊं भाई प्रियांशु, ये वे थार है जो अपने अपने एरिया की पहली है। अच्छा भाई अपने अपने एरिया और बताओ। भाई मैं तो हूँ गुरुग्राम हयातपुर से भाई, हयातपुर से डागर साहब। भाई अलीपुर सोना से, प्रॉपर सोना एक ही थार है, ये भी पूछ लेना किस पे है अविनाश, सोना में दो और एक और आइडेंटिटी है ना, हाँ 4x4 है, हाँ मतलब कुछ भी लगा लो तुम, कैसे पता लगा किसी कोई भीतर ना घुस रहा किसी की औकात फोटो में डागर, हां पर खड़ी बैठ गया खड़ी में, यहां तो पता लगा कि फंसी खड़ी है बाबू, तो सोख सोख में फंसा रखी है ये, अब बता भाई निकाल भी देंगे हम खुद ही यार, जिगरा जब फंसा रखी, भाई वाह जो बात है। तो मतलब हम चारों खुश है अपनी गाड़ी से, सेटिस्फेक्शन है भाई पूरी अपनी गाड़ी से, कोई प्रॉब्लम। अच्छा एक बात है तो भाई तुम्हें एवरेज की कुछ कमी लगी गाड़ी में, शायद एवरेज तो कम है यार, कम है पर कोई बाइक एवरेज कौन देगा जिसने, भाई मैंने तो पेट्रोल की थार चला के देख रखी है, फिर तो मैं गलत सवाल पूछ लियो, फिर तो मैंने गलत सवाल पूछ लियो, अच्छा जी। तो मतलब हरियाणा की टॉप क्लास गाड़ी चल रही है, चाहे तो पंजाब में चल रही है चाहे हरियाणा में चल रही है, अच्छा हरियाणा में चल रही है, पंजाब में भी नहीं है भाई, पंजाब में करी किसने ऑफ रोडिंग, ना करी, पूरा हरियाणा में कहीं भी दिखा दो ना करी, हरियाणा जम्मू कश्मीर में नहीं, अब तक की अब से पहले की बता रहा हूँ, आज हम ही करेंगे जो आज हम करेंगे जो कुछ करेंगे, शुरुआत ही हम करेंगे, शुरुआत हम करेंगे, कुदाओ पहले बेचारे भाई, वेट लेके आ रहे पीछे पीछे कुदाओ, वाह वाह। चलो भाई ऑफ रोडिंग का व्लॉग देखना तो उसके लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज के व्लॉग में तो हमने इसका ओनरशिप रिव्यू लिया है, नहीं था रॉक्स का, अपने अपने ओनर से, अपने अपने भाइयों से। आपको अच्छा लगा होगा सुन के तो लाइक ठोक जाओ, अगर इस खेत में देखनी है गाड़ियां इस खेत में, तो उसके लिए कब तक का वेट करें, मतलब तुम्हें तो लोड ना पड़ेगा ज्यादा, टिल टुमारो, हाँ 8 बजे, रात 8 बजे तक का वेट करो, अच्छा यार ब्लॉग एक दिन बाद ही देखेंगे हम, पहले वहां ब्लॉग डालेंगे, चलो भाई पोस्टपोन कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, तो ना ना सही बात भाई सही बात, तो मिलते गाइस, कल ऑफ रोडिंग करेंगे। अच्छा यूँ बताओ सबसे पहले ग्रिल चेंज कौन कौन कराएगा, है इच्छा, नहीं करूंगा
कलाकारी का मन तो आ रहा थोड़ा बहुत। क्यों भाई ग्रिल क्यों ना चेंज करनी? बहुत बढ़िया है यार, ग्रिल में क्या कमी है? चेंज कराने की इसमें जरूरत ही क्या है? ऐसी स्ट्रोक चलाओगे भाई? मुझे यकीन नहीं है। पहले भाई चेंज करवाएं उसके बाद देखेंगे फिर। मैं लगवाऊंगा भाई, नारंगी ग्रिल लगवाऊंगा मैं ब्लैक के साथ। नारंगी लगवाऊंगा, सतरंगी लगवाना, नारंगी लगवाना। ओके थैंक यू, हैव नाइस डे। Have a nice day. भाई इसके बाल देख लो कबूतर जैसे पर। दो दो लाइन और, दो लाइन और बालों के ऊपर। दो मिनट रुक जाए, भाई कबूतर बनाऊंगा इसके इसके आत्मा को और दे दो जुन जुन। भाई है ना तो बाड़ा में हाथ मारा तो कथी टेढ़ा हो जाए। बाड़ा का झोंक में रहा या बॉडी में फ्रैक्चर आ गया कोई? भाई ये तो हंसी मजाक चलता रहता है, मिलता है आपको थोड़ी देर बाद।